सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले में आपराधिक गिरोह के द्वारा लगातार हो रही घटनाओं जैसे रंगदारी, आगजनी और लेवी वसूलने से जहां लोगों के बीच दहशत बन गया है, वहीं लातेहार, हजारीबाग और चतरा की एसडीपीओ के द्वारा संयुक्त कार्रवाई से पुलिस ने सुजीत सिन्हा और अमन साव गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सभी गिरफ्तार अपराधी चंदवा, सिमरिया और रामगढ़ जिले के हैं, जो इस जिले में लगातार कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ज्ञात हो कि पुलिस ने कुछ दिन पूर्व भी इस गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं बचे लोगों की गिरफ्तारी से हो रही अपराध पर अंकुश लगेगा। वहीं इस अभियान में बालूमाथ एसडीपीओ रणवीर सिंह, महुआडांड एसडीपीओ रतिभान सिंह, लातेहार एसडीपीओ वीरेंद्र राम, बालूमाथ प्रभारी सुभाष पासवान, चंदवा प्रभारी मदन कुमार शामिल थे। गिरोह से लातेहार जिला एवं सीमावर्ती चतरा एवं हजारीबाग जिला में सुजीत सिन्हा और अमन शाह के गिरोह के अपराध कर्मियों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था। मुख्य रूप से कोयला व्यवसायी और कोल साइडिंग्स पर घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास इस ग्रुप के द्वारा किया गया था। इन घटनाओं को देखते हुए डीआईजी रांची एवं डीआईजी हजारीबाग महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से एक विशेष अनुसंधान टीम एसआईटी का गठन करते हुए इस पूरे गिरोह के खिलाफ लगातार अनुसंधान एवं छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके क्रम में लातेहार से कुल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें से जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो आशीष कुमार साह उर्फ विशाल उर्फ पकौड़ी उर्फ रोहित जी है। ये मुख्य रूप से अमन साह और सुजीत सिन्हा के गिरोह के लिए कार्य करता था और इसके द्वारा ही अभी कई व्यवसायियों को व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से वीडियोस बनाकर भेजा गया था, रंगदारी के लिए धमकी भरे संदेश भेजना और उनको धमकाना, उनसे पैसा वसूली करने का मांग करना, और इन लोगों के द्वारा विशेष करके व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके वीडियो भेजकर जो व्यवसायी हैं उनको अमन साह से संपर्क करने के लिए धमकी दी जाती थी और उनको उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें रंगदारी की राशि देने के लिए एक निर्धारित रकम प्रतिमा बांधने के लिए ऐसी धमकी बराबर दी जाती रही है। इन लोगों के द्वारा अभी हाल फिलहाल में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें से सिपुर साइट में जो घटना हुई थी, जिसमें जो हत्या की घटना कारित हुई थी, उसमें भी इसी ग्रुप का हाथ रहा है और उसमें ये आशीष साह भी उस पूरे कांड में संलिप्त रहा है। अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें आशीष कुमार साह के अलावा खुर्शीद आलम, सुलेंदर तोड़ी, जयपाल तोरी, रवि ठाकुर, इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। इसके साथ साथ इस गिरोह के द्वारा जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया है उसमें ये लोग व्हाट्सएप के माध्यम से और इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से, इंटरनेट कॉलिंग का एक ऐप सेकेंड लाइन है उसका प्रयोग करते थे और क्योंकि मोबाइल फोन्स के बारे में पुलिस को इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसको लेकर इन लोगों ने वो सावधानी बरती और ये राउटर्स और का प्रयोग करते हैं और पुलिस को इनके पास से कई राउटर्स बरामद हुए। इसके अलावा ढेर सारे मोबाइल फोन्स बरामद हुए जिनका प्रयोग इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। इन लोगों ने गलत आईडी भी बनाई है, अलग अलग नाम से आईडी भी बनाया है, उस फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र बनाने का भी कार्य किया है। उस मामले में भी उसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया और कैसे दुरुपयोग किया है उसको लेकर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।